हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे जो चर्चा हमारी हो रही है वो मासिक राशिफल के ऊपर है ये चर्चा, और ये मासिक राशिफल है मई 2021 का। तो इस मई के महीने में मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के जो जातक हैं उनको इस मई के महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, जो ग्रह हैं गोचर में उनकी जो स्थिति बनी हुई है वो किस किस प्रकार के प्रभाव शुभ या अशुभ आप सभी बारह राशियों को जातकों को देने जा रहे हैं इसकी चर्चा हम करेंगे, और महामई आपके लिए कैसा रहने वाला है ये बताएंगे। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन के जो जातक हैं उनके विषय में ये चर्चा हम करने जा रहे हैं और उनको बताएंगे कि इस माह के जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में इस मई के महीने में किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम आपको किस किस क्षेत्र में मिलने जा रहे हैं, और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे उन अशुभ उपायों को दूर करने के लिए, मतलब उन अशुभ जो परिणाम है अलग अलग क्षेत्र में उनको दूर करने के लिए वो उपाय बहुत सरल और आसान बताते हैं हम। अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से उन परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में, और सर्वप्रथम व्यवसाय को लेते हैं कि आपका ये महीना मई का व्यवसाय को लेकर के कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है, तो आइए जानते। देखिए मैं जो आपका चार्ट देख पा रहा हूं कर्क लग्न के जो जातक हैं बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है, वो इस बात की हो रही है कि 1 मई से और 14 मई के बीच में आपके जो व्यवसाय के हालात हैं कार्य क्षेत्र में बहुत ही उन्नति और सफलता दिलाने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। लेकिन बस थोड़ा सा ये है, बताते हुए भी थोड़ा सा जोर पड़ रहा है कि ये स्थिति सिर्फ 14 मई तक है, 1 मई से 14 मई तक। सूर्य यहां पर उच्च के होकर के बैठे हैं आपके प्रोफेशन के घर में, आपके करियर के घर में, व्यवसाय के घर में, तो ये आपको पूर्ण रूप से सफलता दिलाएंगे। आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, आप रोजगार में हैं या व्यापार में, अगर आप व्यापार में हैं तो आपको बहुत, आपका व्यापार जो है वो बहुत, उसमें आपको सफलता हासिल होगी, व्यापार में आप तरक्की करेंगे। अगर आप रोजगार में हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है जिसके विषय में आपने सोचा भी ना हो, कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है आपकी कैपेसिटी से भी ऊपर, आपकी क्षमता से ऊपर। 1 मई से 14 मई के बीच में हालात व्यवसाय के कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। लेकिन 14 मई से जब सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो 14 मई से और जब वो परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे तो फिर वो पितृदोष का निर्माण करेंगे, वो समय आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। और 14 मई तक तो आप उसका पूरा लाभ लीजिए, मैं यही कहूँगा। और आप देश विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं अपने कार्य से संबंधित, या अगर जो विदेशों में रोजगार की प्राप्ति के लिए विदेश के लिए जाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस अवधि में उनका कार्य बन सकता है, वो सफल हो सकते हैं क्योंकि विदेश का योग बना हुआ है यात्रा का। और आप अपने कार्य के सिलसिले में भी जा सकते हैं, अपने रोजगार प्राप्ति के सिलसिले में भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, आपके लिए पूरी तरीके से सकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। इस पर पूरा अच्छा बहुत मजबूत योग बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 मई से मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूं, परेशानियां आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में चैलेंजेज, आपके लिए कठिनाइयां परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम पस्त हो जाएंगे, हिम्मत भी आप नहीं हारेंगे, चैलेंजेज को जो भी उस समय सिचुएशन होगी उसको फेस करने की हिम्मत भी रखेंगे और करेंगे,
लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी आपके लिए, परेशान आपको करने के लिए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, उनको फेस करिए और वो सब हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। तो ये जो था हमने जो आपको अभी बताया वो इस प्रकार का स्थिति रहेगी व्यवसाय की आपके पूरे माह। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो आय है वो तो आपकी पूरी सुचारू रूप से होगी पूरे माह, और इसी महीने में बीच में कहीं से अचानक भी आपको धन की प्राप्ति या लाभ हो सकता है, या किसी दूसरे सोर्स से भी आपको धन का आगमन हो सकता है। धन का योग बहुत अच्छा बना हुआ है आगमन का, और अगर हम धन संचय की बात करते हैं तो धन संचय भी 14 मई तक तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, लेकिन 14 मई के बाद आपसे धन संचय नहीं हो पाएगा चाह करके भी। और आपको एक सुझाव भी दे देते हैं कि 14 मई के बाद आप अपना धन का कहीं इन्वेस्टमेंट भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय अवधि में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा धन का, वो आपके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है वो 14 मई से पहले करें, बाद में ना करें। ये रहेगी धन की स्थिति। अब आपको बताना चाहेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में, और वो प्रेम संबंधों की बात जहां तक है वो ये है कि योग तो बनेगा, अभी इस पूरे माह आपके प्रेम संबंधों को लेकर के तो योग नहीं बन रहा है। ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है अनुकूल कि आप उसमें सक्सेस हो जाएं, सफलता आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन हां माह के अंत में जाकर के 28 मई से ये योग बनेगा, और 28 मई से जब ये योग बनेगा तब आपको सफलता अपने प्रेम संबंधों में, आप अग्रसर होंगे और आपको सफलता भी हासिल होगी, क्योंकि योग 28 मई से बनना आरंभ होगा। तो ये थी प्रेम की स्थिति। अब आपसे आगे चर्चा करेंगे आपके जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन के विषय में। देखिए जहां तक विवाहित व्यक्तियों का प्रश्न है तो थोड़ी बहुत कटुता और तनाव और तल्खी अवश्य रहेगी, क्योंकि अशुभ ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपके सप्तम भाव पे तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी समझदारी से काम लें। आपको पता है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आपको भी थोड़ा संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि हालात सामान्य बने रहें। तो ये स्थिति जो है वो विवाहित व्यक्तियों के साथ रहने वाली है इस माह में, पूरे माह। यानी कि वैसे तो ठीक रहेगी स्थिति, लेकिन बीच बीच में तनाव तल्खी टेंशन ये भी होता रहेगा, तो संबंधों में थोड़ी कटुता। आगे हम चर्चा करें पारिवारिक संबंधों की, वो कैसे रहेंगे। भाई पारिवारिक संबंध जो हैं माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो सामान्य रहेंगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा बीच में आपके परिवार के सदस्यों के बीच में। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी 14 मई को राशि परिवर्तित करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे, तब से लेकर और माह के अंत तक आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी। यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ मतभेद बढ़ेंगे, वैचारिक मतभेद हो, तनाव हो, ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वो आपको चीजें थोड़ा परेशान करेंगी मानसिक तौर पर, तो आपको थोड़ा हालातों को समझना होगा, ग्रहों की स्थिति को समझना होगा, उसके हिसाब से आपको अपना जो भी है आगे का योजना प्लान तैयार करना होगा, तभी चीजें थोड़ा ठीक रह सकती हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके विषय में, उनके शिक्षा को लेकर के छात्रों को किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए जहां तक बात करें हम छात्रों की, तो शिक्षा का उनका जो है वो सामान्य से ऊपर दिखाई दे रहा है, मध्यम जिसको हम कहते हैं, मध्यम परिणामों की
प्राप्ति छात्रों को होगी, बीच बीच में थोड़ी समस्याएं आएंगी और वो भी 14 मई के बाद, 14 मई के बाद थोड़ी ज्यादा आ सकती हैं। 14 मई तक बीच बीच में हल्की फुल्की समस्याएं आएंगी लेकिन वो साइड हो जाएंगी, तो मध्यम परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। 14 मई के बाद थोड़े से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा 14 मई से और अधिक सचेत रहना है और अपने शिक्षा को लेकर के थोड़ा गंभीर रहना होगा, अपनी शिक्षा को गंभीरता पूर्वक लेना है ताकि परिणाम जो है आपके प्रभावित ना हो 14 मई के बाद। 14 मई तक तो मध्यम परिणाम प्राप्त हो जाएंगे जैसा मैं कह रहा हूं। संतान के विषय में अगर बात करें तो देखिए, संतान का जो एक तरीके से जो उनके विचार हैं वो तो धार्मिक विचार रहेंगे, माता पिता को काफी संतुष्टि भी होगी ये देख करके कि संतान जो है उनकी काफी धार्मिक विचार रखती है, इस प्रकार के विचार रहेंगे संतान के। लेकिन 14 मई से लेकर के और 30 मई के बीच में थोड़ा सा संतान की जो परफॉर्मेंस है या तो उसमें थोड़ा फर्क आपको दिखाई देगा, कमी दिखाई देगी, या उनके परिणामों में, तो आप भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि संतान 14 मई से और 30 मई के बीच में किसी भी कारण से उनका परफॉर्मेंस इफेक्टेड ना हो। अगर आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से उनको, माता पिता से मेरा ये अनुरोध है कि वो अपनी संतान को मदद करें जिस प्रकार की भी उनको मदद की आवश्यकता हो। अब अंत में स्वास्थ्य रह गया, स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहेंगे। देखिए स्वास्थ्य के विषय में तो यही है कि स्वास्थ्य की ओर भी आपको बहुत अधिक कह रहे हैं हम, बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत अधिक। स्वास्थ्य ग्रह ये नहीं चाहते आपके कि आप जो हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें इस माह, तो आपको अपनी दिनचर्या, अपनी खाना पीना ये सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस मई के महीने में, और समय समय पर अगर आप अपना चेकअप करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर कोई पुरानी डिजीज है, कोई क्रोनिक डिजीज है आपको, तो कहीं वो ज़्यादा परेशान ना कर दे आपको, तो उसका भी आपको समय पे उपचार कराते रहना चाहिए और उसका समय पर दवाएं वगैरह अपनी लेते रहिएगा। अंत में हम ये उपाय तो आपको देने जा ही रहे हैं कि कौन से ऐसे उपाय करें जो इन सारी परेशानियों से आप बाहर आ जाएं। बहुत सरल और आसान उपाय हैं। तो देखिए 14 मई से और 30 मई तक आप क्या करें, सुबह स्नान से फ्री होकर के नहाने के बाद, स्नान के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए। 14 मई से ये कार्य आरंभ करें आप, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी करें जल देते समय। ये तो काम आपने नित प्रतिदिन करना है 14 मई से। दूसरा उपाय करना है आपने कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख वहां जाएं, मिष्ठान का उनको भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके बजरंग बाण, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें और बजरंगबली जी की आरती से उसका समापन करें, और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं उनके सामने। और अगर आप और अधिक कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर का चोला उनके ऊपर चढ़ाएं, ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य में भी जो परेशानियां हैं उनमें कमी आएगी ये कार्य करने से। तीसरा उपाय क्या करना है, तीसरा उपाय करना है कि आपके सुखों में किसी प्रकार की कमी ना हो, आपने शुक्रवार के दिन 2 आटे की लोई या रोटी, उन पर देसी घी रख लें और चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं, ये करना है आपने। और छात्र लोग क्या करें, छात्र लोग ये करना है
अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में होता है और अधिक करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, ये आप कर सकते हैं। ये उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं करने के लिए, वो कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको ये पसंद आया है कर्क राशि के जातकों को राशिफल महामई 2021 का, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।